आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक मल्टीबैगर स्टॉक को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी मैं स्टॉक मार्केट में अपने किसी दोस्त से या अपने रिश्तेदारों से या और भी मेरे जो ग्रुप्स हैं उनमें से किसी से भी बात करता हूं, तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि बस एक मल्टीबैगर स्टॉक बताइए, एक ऐसा स्टॉक जो मतलब पैसे को डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना कर दे। तो एक मल्टीबैगर स्टॉक की चाह, एक मल्टीबैगर स्टॉक की जो इच्छा है वो हर एक इन्वेस्टर के दिल दिमाग में होती है कि मुझे मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाए। हमने पिछले 20-25 साल के कई सारे स्टॉक्स की केस स्टडीज पढ़ी, हमने देखा कि वो 1000% 5000% तक का रिटर्न दे रहे हैं, इवन 10000% का रिटर्न दे रहे हैं। हम आगे वीडियो में देखेंगे ऐसे। लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा स्टॉक है जो आज के टाइम में जिसमें पैसा लगाया जाए। अभी जितना हमने बात करा, जितना हम रिसर्च करेंगे, जितना हम देखेंगे, वो सब तो हो गया इतिहास। इतिहास मतलब कि उन्होंने रिटर्न दे दिया। अब उस टाइम पे हमने इन्वेस्ट नहीं करा था, हमारे पहले की जनरेशन ने कोई इन्वेस्ट अगर नहीं किया था तो आज तो अभी भी हमारे पास 0% कोई इन्वेस्टमेंट, कोई रिटर्न तो है नहीं उसको। तो हम उस को कहते नहीं है कि भैंस की पूंछ पकड़े रहने से कोई फायदा तो है नहीं। तो अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो जिनमें मैं पैसा लगाऊं और वो स्टॉक मुझे एक मल्टीबैगर रिटर्न दे। अब मल्टीबैगर रिटर्न का मतलब हर स्टॉक उठा के मुझे 1000% का रिटर्न दे देगा, मेरे पैसे को 100 गुना 500 गुना कर देगा, जरूरी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट मार्केट में जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं 12-15% रिटर्न एनुअली, उससे ज्यादा मुझे एक अच्छा रिटर्न दे दे जिससे मेरे स्टॉक की वैल्यू लगभग 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी हो सकती है, तो वो एक मल्टीबैगर स्टॉक हो जाएगा मेरे लिए। अगर मैं अपने पर्सनल अपनी बात करूं तो अगर कोई स्टॉक मेरा 10 गुना हो जाएगा मेरे रेट से तो वो मेरे लिए मल्टीबैगर हो गया। मैं इससे ज्यादा इच्छा नहीं रखता हूं, इससे ज्यादा रिटर्न की मैं इच्छा नहीं रख रहा हूं कि मुझे मिले। लेकिन हाँ, ज्यादा मिलेगा उसके बाद 10 गुना से ज्यादा तो मैं मना तो नहीं कर पाऊंगा ना। मैं तो कहूंगा हाँ भैया ठीक है आने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 गुना ऐसा है कि कोई स्टॉक मुझे 10 गुना 20 गुना अगर मेरे पैसे को कर देता है तो भाई उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे जो हमारा सबसे बड़ा ओपन बर्निंग क्वेश्चन है कि भाई कौन से वो स्टॉक है, कैसे पता चलेगा मुझे कि कोई स्टॉक मल्टीबैगर है। मैं अभी किस स्टॉक में पैसा लगा सकता हूँ कि वो आज से 10-15 साल के बाद एक मल्टीबैगर रिटर्न मुझे दे दे। और ये आइडेंटिफाई करना मार्केट में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, ये बस की बात नहीं है। मतलब ये कोई नहीं बता सकता कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बन जाएगा। ये हम पिछले उसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, उसके बिजनेस ग्रोथ कैसा है, उसका विजन आगे चल के कैसा है, इन सब के बेसिस पे हम एक लगा सकते हैं अंदाजा कि हाँ कौन से स्टॉक है जो मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, देंगे ये कोई कंफर्म नहीं करेगा। इवन जो स्टॉक हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस होंगे, वो मल्टीबैगर बनेंगे ये कोई डेफिनेट नहीं है। तो इसको बाय रिकमेंडेशन नहीं समझी जाएगी, आपके सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि कौन से तरीके हैं जिसके बेसिस पे हम स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकते हैं और उनमें हम जिस तरह से हमारा कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट ये होगा कि हम समझेंगे कि मल्टीबैगर स्टॉक होता क्या है। बहुत लंबा कोई डेफिनेशन नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन मल्टीबैगर स्टॉक की। दूसरा कि मल्टीबैगर स्टॉक को चुनने के क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, कंपनी के जो पैरामीटर्स होंगे, कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं जो हमें देखने चाहिए एक मल्टीबैगर स्टॉक के लिए। और तीसरा हम एक्सेल एक्सेल खेलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा, 2 स्ट्रेटेजीज बनाई है मैंने जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उनमें से कैसे हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया मैंने डाले हैं उस एक्सेल में जिसके बेसिस पे हम शॉर्टलिस्ट करेंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगेन कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। तो चलिए
हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला एक सवाल मन में उठता है कि व्हाट इज अ मल्टीबैगर स्टॉक, एक मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है। तो हम ये जानते हैं मल्टीबैगर स्टॉक मतलब कोई भी स्टॉक हम खरीदते हैं जब भी, तो ऑब्वियसली हमें स्टॉक में वो स्टॉक हमारा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए स्टॉक का प्राइस, और हमें टू टाइम्स थ्री टाइम्स रिटर्न मिल जाए। तो रिटर्न के बेसिस पे स्टॉक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डबल हो जाता है तो उसे टू बैगर कहते हैं, 10 times हो गया तो 10 bagger कहते हैं। ऐसे ही कोई स्टॉक अगर अपने प्राइस से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा हो जाता है, अब मल्टीपल टाइम्स ज्यादा होने का मतलब है कि डबल हो गया तो उसे 2x यानी कि मल्टी बैगर हम बोल सकते हैं डबल हो गया तो। लेकिन यूजली मल्टी बैगर स्टॉक्स वो होते हैं जिनका रिटर्न लगभग 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना और लगभग लगभग 1000% 5000% अगर हम परसेंटेज में रिटर्न की बात करें, 10,000% या 1,00,000% का रिटर्न जो स्टॉक देते हैं उनको हम मल्टी बैगर स्टॉक्स बोल सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट को वो इतना टाइम कन्वर्ट कर देते हैं, इतना टाइम का रिटर्न दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी बैगर स्टॉक्स। अब ये स्क्रीन पे मैंने कुछ चार स्टॉक्स का एक चार्ट लगाया है पिछले लगभग 20 साल का 22 साल का, आप देख सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला स्टॉक है वो इन चारों स्टॉक को देख के आपको क्या समझ में आएगा, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का अब तक का जो रिटर्न है वो लगभग लगभग 1,28,000% 1,28,000% यानी इतना स्टॉक ने अब तक का रिटर्न दिया है। सिमिलरली मदर्स एंड सुमी देख सकते हैं लगभग 1,19,000 1,20,000% ऐसे ही आइशर मोटर ने तो तबाही मचा दी, एक बार लगभग 2,00,000% का रिटर्न दिया है। तो मतलब लगभग लगभग 2,000 गुना कर दिया है स्टॉक प्राइस को। मतलब अगर किसी ने 100 रुपए आइशर मोटर में लगाए होंगे सन 2002 में, तो 2002 से 2020 तक में यानी 2020 या 2022 तक में आप देखें तो इसने उस प्राइस को 100 रुपए के प्राइस को 2,000 गुना कर दिया होगा। तो समझ सकते हैं कि कितने टाइम्स इसने स्टॉक को बढ़ा दिया और क्या रिटर्न दिया है। ऐसे ही HDFC बैंक लगभग लगभग 27,000% का रिटर्न अब तक दे चुका है, लगभग 200-300 गुना उसने अपने प्राइस को स्टॉक को रिटर्न दे दिया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है मल्टी बैगर स्टॉक्स के। तो क्या ये स्टॉक आगे भी इतना रिटर्न देंगे, दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, नहीं पता। लेकिन इनके बेसिस पे हम समझते हैं कि हाँ ये स्टॉक दे चुके हैं तो ये आगे भी चलेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स हम देखते हैं, वो किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, कैसे वो फ्यूचर में अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात करते हैं, ये सारी चीजें देख के हम इन स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, मार्केट में अच्छे स्टॉक्स की बात करेंगे ये सारे स्टॉक्स है, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करा सकता है। बट अभी ये यहाँ से 100 गुना 1,000 गुना और रिटर्न देंगे या नहीं देंगे ये तो कोई नहीं बता सकता, ये वक्त ही बताएगा। तो अभी कौन से स्टॉक्स हैं, वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम अभी इन्वेस्ट करें और हमें लगभग 1,00,000-2,00,000% हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पे ऐसा रिटर्न हमें मिल जाए। तो उसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें वो मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड करने पड़ेंगे और ढूंढना पड़ेगा हमको। 4,000 स्टॉक्स हैं, 4,500 स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट है, उन 4,500 स्टॉक्स में से हमको एक मल्टीबैगर, देखिए आपके पूरे पोर्टफोलियो में 30-40-50 स्टॉक्स होंगे, वो सारे स्टॉक्स तो आप मल्टीबैगर हो नहीं सकते। पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक अगर मल्टीबैगर हो जाता है तो वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को, पूरे इन्वेस्टमेंट को, पैसे को बराबर कर देता है, बराबर इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में बाकी स्टॉक गिर भी रहे होंगे तो ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में रखेगा, हमेशा हरियाली दिखेगी पोर्टफोलियो में, ग्रीन में रहेगा पोर्टफोलियो। एक लंबे टाइम के बाद की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक नहीं है कि आज लिए और आप सोचे 6 महीने में मल्टीबैगर हो जाए तो आप शायद गलत चैनल पे हैं कि आपको लगे कि मैं कोई स्टॉक बताऊंगा और वो स्टॉक आपका 6 महीने में मल्टीबैगर हो जाएगा, 1 महीने में वो 1,000% दे देगा। ऐसी बहुत सारी न्यूज आती है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा वो स्टॉक हमें तभी पता चलते हैं जब वो ऑलरेडी चल चुके होते हैं, जब वो 1,000-1,200% रिटर्न दे चुके होते हैं हमको तभी पता चलता है कि वो स्टॉक मार्केट में है भी।
उससे पहले नहीं पता चलता है। तो ऐसे पेनी स्टॉक्स और ऐसे मतलब ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स के पीछे भागना ही नहीं है अपन को। अपन को क्या चाहिए, अपन को सिंपल लाइफ जीनी है। अपन को चाहिए एक एक आध अच्छे मल्टीबैगर निकल जाए जो हमारे पैसे को 2, 4, 10, 20, 50 गुना कर दे। वो अपने को सुकून की जिंदगी मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेगा तो आन दे, नहीं तो फिर जान दे। ठीक है, तो अपने को चाहिए एक फाइंड करना है मल्टीबैगर स्टॉक। अब ये मल्टीबैगर स्टॉक हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंपनी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स को समझना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी के कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, और उनके बेसिस पे हम शायद कोई एक अच्छा स्टॉक ढूंढें जो आगे चल के मल्टीबैगर बन सकता है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो सकता है मल्टीबैगर, हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। अब पिछले 2 ढाई साल या 1.5 साल का टाइम निकाल दीजिए, वो कोरोना में मार्केट गिरी थी और उसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स अपने 50% पे आ चुके थे, तो वहां से वो चले हैं, तो वो मल्टीबैगर बन गए। कुछ एक दो स्टॉक्स का अगर नाम लिया जाए जैसे कि टाटा एलेक्सी हो गया, या और आपका सिप्ला सिप्ला वगैरह, लॉरस लैब हो गया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मल्टीबैगर बन गए क्योंकि मार्केट गिरी थी और वहां से फिर चढ़ी थी। बात हो रही है आज की करंट डेट में कौन से स्टॉक्स हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उन की पैरामीटर्स को हम देखते हैं, वो कौन से की पैरामीटर्स हैं कंपनी के जो हमें देखने चाहिए टू फाइंड अ गुड मल्टीबैगर स्टॉक्स। तो ये 5, 6 की पैरामीटर्स हैं जो हमें हर कंपनी में देखने हैं अगर उसे हम एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में विजन रखते हैं, अप्रोच रखते हैं। तो डेट, उस कंपनी का डेट जितना कम होगा उस कंपनी में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। डेट कम यानी कंपनी के पास पैसा है, वो पैसा उसको डेट रिड्यूस करने में या बैंक को लोन वापस करने में या जहां से भी डेट लिया उसको देने में नहीं लगेगा, और उस पैसे पे जो भी इंटरेस्ट उसको देना है लोन पे वो नहीं देना पड़ेगा, यानी कि कंपनी के हाथ में अच्छा पैसा रहेगा। तो जब पैसा हाथ में है तो वो कंपनी को और ग्रो करने की तरफ और उसमें ग्रोथ लाने के लिए वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज है कैश फ्लो या फ्री कैश कैश फ्लो जिसे हम कहेंगे। वो कैश फ्लो जितना ज्यादा होगा कंपनी का, अगेन डेट कम है तो कैश फ्लो ज्यादा ही होगा कंपनी के पास। कैश फ्लो अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली उस कैश से वो कंपनी में नई ब्रांचेस खोलनी है, नए ऑपरेशंस डालने हैं, नई यूनिट डालनी है, वो सारी चीज बड़े इजिली कर सकती है वो कंपनी। आप अगर ध्यान देंगे तो मोस्टली जो आईटी कंपनीज होती हैं उनमें क्यों इतनी अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि उन सारी कंपनीज का आप अगर अगर उनके फंडामेंटल्स उठा के देखेंगे तो उनके पास कैश फ्लो बहुत ज्यादा होता है। 1,000, 1,000, 4,000, 5,000 करोड़ का कैश फ्लो रखते हैं वो कंपनी, इसलिए उनमें ग्रोथ बहुत होती है और वो अपने उस पैसे को इन्वेस्ट करती हैं नई टेक्नोलॉजीज के लिए, नए डेवलपमेंट के लिए, नए डेवलपमेंट सेंटर्स डालने के लिए, नए ऑफिसेस डालने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो सेल्स नंबर। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी धंधा है, उसमें सेल्स कितनी हो रही है, जितनी सेल्स बढ़ेगी उतना उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, और जितना रेवेन्यू बढ़ेगा मतलब कि वो ग्रोथ उतनी हो रही है। प्रॉफिट, सेल्स हो रही है लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो सेल्स का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे नंबर्स आप देखेंगे सेल्स तो बहुत ज्यादा हुई बट प्रॉफिट गिर गया, तो प्रॉफिट भी हमें देखना बहुत जरूरी है कि प्रॉफिट कैसे हो रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है साल दर साल, प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है तो वो कंपनी में ग्रोथ हो रही है। उसके बाद आता है एबिट। एबिट का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी कि जो भी कंपनी के खर्चे हैं उन सबसे के पहले जो भी अर्निंग है उसकी बात चल रही है। तो जितना हायर एबिट होगा कंपनी का उसमें हायर ग्रोथ के चांसेस दिखेंगे। ईपीएस, ईपीएस में अर्निंग पर शेयर, एक जितना ज्यादा कंपनी का ईपीएस होगा उतना कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट जितना होगा उतना ग्रोथ बढ़ेगा। आरओसी, आरओसी मींस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब होता है कि जितना हायर आरओसी होगा उतना ही हायर ग्रोथ चांसेस होंगे कंपनी के ग्रो करने के फ्यूचर में। ये कुछ टर्म्स हैं, इनको मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कंपनी के जो पैरामीटर्स होते हैं उनका क्या मायने होता है। लेकिन ये जितने भी टर्म आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो सारी चीजें जितनी ज्यादा होंगी उतना उस कंपनी का ग्रोथ
फ्यूचर ग्रोथ या उसका प्रोस्पेक्ट हमें समझ में आता है कि कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। ये सारा कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही निकाला जाता है। जो भी वैल्यूज होती है हिस्टोरिकली वो उसने कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे निकलती है, और फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन या फ्यूचर के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी ग्रो करेगी। तो अब यहां से हम एक एक्सेल खेलेंगे, एक्सेल खेलेंगे। इसमें एक्सेल में क्या होगा, एक्सेल में मैंने कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई करी हुई हैं। हम जब एक्सेल देखेंगे तो देखेंगे कुछ नहीं, एक्चुअली वो बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन वो तीन टाइप की कंपनीज होंगी। फर्स्ट कंपनी होगी जो कि लार्ज कैप है लेकिन उसका मार्केट कैप जो है 1,00,000 करोड़ से कम का है, यानी कि वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। मैं नहीं रखता निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज है या सेंसेक्स में जो भी कंपनीज है, वो ठीक है, वो कंपनी हमें सबको पता होती है वो कंपनीज, तो उसमें इन्वेस्ट तो आप अपने आप से कर सकते हो। उसमें बताने वाला कि मैं कहूँ कि HDFC बैंक बहुत अच्छे स्टॉक है या मैं कहूँ TCS बहुत अच्छा स्टॉक है, नहीं, ऐसे ही तो सबको पता है। लेकिन मैंने कुछ ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करी हुई है जो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है और उनका जो मार्केट कैप है वो 1,00,000 करोड़ से कम है, ये लार्ज कैप है। फिर मिड कैप कंपनीज और उसके बाद स्मॉल कैप कंपनी। देखिए ग्रोथ के चांसेस उसमें ज्यादा है जो छोटी कंपनीज है। छोटी कंपनी का मतलब ये नहीं कि पेनी स्टॉक में घुस जाएंगे। तो उस एक्सेल में दो अप्रोच है। अप्रोच एक क्या रहेगी, अप्रोच ए कि उस कंपनी का जो डेट है वो फ्री कैश फ्लो से कम होना चाहिए, यानी कि मेरे पास जितना कैश है उससे कम मेरे ऊपर उधार है तो बढ़िया है, मैं आराम से चैन की सांस ले सकता हूँ। 5 साल का जो एबिट वैल्यू है वो ग्रेटर देन 15% होनी चाहिए। 5 साल का जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है वो ग्रेटर देन 12% होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर 40 से ज्यादा होना चाहिए। 5 साल का सेल्स ग्रोथ 10% होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए 10%, और ROCE कंपनी की 30% होनी चाहिए। तो कुछ स्टॉक्स हमने ऐसे लिस्ट डाउन करे और उनमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे बेसिस ऑन दीज क्राइटेरिया। ये अप्रोच ए रहेगी। अप्रोच बी क्या रहेगी, अप्रोच बी रहेगी कि मेरी जो पहली अप्रोच है वो या तो चल जाए, या फिर अगर वो नहीं चल रही है तो दूसरी कंडीशन क्या है, मेरा जो डेट है वो 500 करोड़ से कम होना चाहिए कंपनी के ऊपर। दूसरा, उसका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी उस कंपनी के हाथ में कुछ कैश फ्लो होना चाहिए, लेकिन 5 साल का जो एबिटा है वो 30% होना चाहिए, और 5 साल के जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो भी 30% होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रोथ रेट और एबिटा को बढ़ा दिया है। EPS 40% होना चाहिए, 40 होना चाहिए greater than 40, और sales growth 25% और ROCE again 30 की होनी चाहिए। तो फटाफट हम चलते हैं एक्सेल पे और देखते हैं एक्सेल पे ये सारी वैल्यूज डाल के वहां पे कैसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें वो कैसे हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली एक्सेल पे जंप करते हैं। तो अब ये एक्सेल शीट है मैंने बना ली है, ये एक्सेल शीट ओवरऑल एक्सेल शीट है। मैं ये एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से, एक फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है, आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं कंपनी के हिसाब से और फिर वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहले मैं एक्सेल शीट को समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ, क्लियर दिखे ये ठीक रहेगा। तो इसमें तीन तरह की कंपनीज लिए हैं, तीन तरह के सेगमेंटेशन मैंने किया है। तो पहला तो इसमें लार्ज कैप है। लार्ज कैप मतलब लार्ज कैप है बट 1,00,000 करोड़ से उसकी मार्केट कैप कम है, यानी कि निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है बट लार्ज कैप है। दूसरा है मिड कैप जो कि 5,000 से 20,000 के मार्केट कैप में है, और फिर स्मॉल कैप है जो कि 2,000 से 5,000 की मार्केट कैप में है। तो लार्ज कैप में जो लार्ज कैप कंपनीज मैंने ली हैं वो ये कंपनीज ली हैं जिनका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ से कम का है, क्योंकि वो निफ्टी 50 का पार्ट मुझे नहीं रखना है। और वो कौन सी कंपनी है, टोटल हम देखते हैं, टोटल ये कंपनीज हैं हमारे पास 176 लिस्ट ऑफ कंपनीज निकल के आती हैं। मैंने स्क्रीनर पे जाके ये सारा डेटा डाला और उसके बेसिस पे मुझे ये लिस्ट ऑफ कंपनीज मिलती है। अब कोई सी भी कंपनी है उसमें उसका मार्केट कैप कितना है, उस पर डेट कितना है, उसके पास फ्री कैश फ्लो कितना चल रहा है, उसका 5 साल का एबिटा कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, ईपीएस उसका कितना है, सेल्स ग्रोथ कितना है, आरओसी कितना है, ये सारा डेटा इस एक्सेल शीट में आ गया। मैंने जब स्क्रीनर पे जाके अपनी क्वेरी को रन किया तो मुझे वो मिल गया। ये लार्ज कैप की बात हो रही है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला जो यूज करा है वो फॉर्मूला मैंने लगाया है, ये देखिए फॉर्मूला। इफ
F4 is less than G4, यानी F4 मेरा less than G4 है, debt अगर मेरे cash flow से कम है, यानी कि मेरा जो debt है वो मेरे cash से कम है, यानी कि मैं cash rich company हूँ, मेरे ऊपर debt actually debt free company हो गया, वो जिसके पास debt तो कम है और cash ज्यादा है वो debt free company हो गई, ये होना चाहिए। एंड ये एंड वो मैथमेटिकल जो हम यूज करते हैं एंड एंड और उसका वाला एंड है, एंड ये हो और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो H4 है यानी कि मेरा 5 साल का एबिटा का जो ग्रोथ है वो होनी चाहिए 15 से ज्यादा, 5 साल का जो मेरा मेरा प्रॉफिट ग्रोथ है वो होना चाहिए मेरा यानी कि I4 मेरा 12% से ज्यादा होना चाहिए, EPS ग्रोथ मेरा है वो EPS ग्रोथ मेरा होना चाहिए J4 यानी कि 40 से ज्यादा होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ मेरी 10% से ज्यादा होनी चाहिए और मेरा जो ROCE है वो 30 से ज्यादा होना चाहिए। अगर तो ये सारा कुछ होगा तो मुझे रिजल्ट में ट्रू मिल जाएगा, और अगर ये सारी चीजें नहीं मैच करेंगे तो मुझे फॉल्स मिल जाएगा। अभी मैंने सब में लगा दिया यही फॉर्मूला तो मुझे बहुत सारे ट्रू फॉल्स मिल रहे हैं। अब मैं यहां से अगर इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रू लगाऊं तो मुझे कितने मिल रहे हैं, मुझे 3 कंपनीज मिलती हैं। 3 कंपनीज कौन सी है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये 3 कंपनीज हैं जो मेरे फॉर्मूले में फिट बैठती हैं, फॉर्मूले के हिसाब से आउटपुट मुझे मिलता है। इन 3 कंपनीज का मतलब ये नहीं है कि बाकी कंपनीज बेकार है, ये 3 कंपनीज ये हैं कि मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया है जिसके बेसिस पे मुझे शॉर्टलिस्ट करके जो भी कंपनीज मिली थी, अब मैं 176 कंपनीज जो टोटल आई थी उन सारी कंपनीज में तो पैसा लगा नहीं सकता हूं। अब मेरे पास अगर 100 रुपए है तो मैं बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंपनी में ही लगाऊं, तो मुझे वही चाहिए कि मैं बेस्ट कंपनी में लगाऊं, तो बेस्ट कंपनी के लिए मुझे कोई क्राइटेरिया सेट करना होगा। मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई मेरे पास डेट जो है वो कैश फ्लो से कम होना चाहिए। अभी डेट अगर 100 रुपए भी है चलेगा, डेट अगर 1,000 करोड़ भी होता तो भी चलता, लेकिन मेरे पास कैश फ्लो ज्यादा होना चाहिए था। उसके बाद मेरा जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट मेरा कम से कम 15% होना चाहिए, उसके बाद मेरा जो प्रॉफिट है वो 12% से बढ़ना चाहिए, उसके बाद मेरा जो EPS है वो 40 से ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद मेरा सेल्स ग्रोथ है वो मेरा कम से कम 10% होना चाहिए, और उसके बाद मेरा जो ROCE है वो 30% से ज्यादा होना चाहिए। उसके बेसिस पे मुझे जो भी स्टॉक्स मिले वो ये स्टॉक्स हैं। अब मुझे फर्दर ऑब्वियसली मैं जाके इनमें तुरंत से पैसा नहीं लगा दूंगा, अब मैं फर्दर और डिटेल इन्वेस्टिगेशन डिटेल एनालिसिस करूंगा इन स्टॉक्स की, देखूंगा कि क्या मेरे पैरामीटर पे सेट होने के बावजूद भी ऐसा कुछ है जिसके बेसिस पे मैं कहूं कि नहीं ये कंपनी में शायद मल्टीबैगर नहीं बनेंगे तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, और अगर मुझे पैसा लगाना भी है तो मैं किसी एक कंपनी में नहीं लगाऊंगा, मुझे 3 मिली है तो शायद मैं अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं सब में थोड़ा 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 पैसा लगा दूंगा। यहीं पे अगर हम देखें तो कुछ एक फॉल्स वाले उठा लेते हैं, कोई भी ऐसे रैंडमली कोई भी फॉल्स वाला लेते हैं, देखते हैं वो कंपनी कौन है जो हमारे क्राइटेरिया में नहीं आती। देखिए बहुत सारी अच्छी कंपनीज है, कोलगेट पामोलिव बट बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन मेरे क्राइटेरिया में नहीं आती। कैसे नहीं आती, पहला क्राइटेरिया ही मीट नहीं हुआ कि डेट इसका जो है कैश फ्लो से ज्यादा है, 95 करोड़ का डेट है और 50 करोड़ इसके पास कैश फ्लो है। IEX के पास डेट तो कम है, कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, जो इसका EPS है वो देखिए, EPS हमारा यानी कि जे EPS 40 चाहिए था मुझे, इसका EPS 3 है, यानी कि मुझे ये मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्टॉक्स बेकार हो गए, इसका ये मतलब है कि मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठे। ऐसे बहुत सारे इनमें स्टॉक्स हैं जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, दीपक नाइट्रेट बहुत ही बढ़िया मल्टीबैगर बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी मेरे फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा तो इसलिए मैं इसको मल्टीबैगर नहीं बोल रहा हूँ, बट हो सकता है ये मल्टीबैगर बन जाए। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो ये सारे फॉल्स हैं वो मल्टीबैगर नहीं बन सकते, इनमें से कोई भी मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन एक मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया उस पर फिट नहीं बैठ रहा इसलिए मैं इनको फॉल्स कर रहा हूं, और मुझे 3 मिलते हैं 176 स्टॉक्स में तो मैं वो उन 3 पे बेट कर सकता हूं, हो सकता है मैं किसी और पे भी करूं, बट एक क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे जो मिल रहा है मैं वो बता रहा हूँ कि एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का कौन से मल्टीबैगर हो सकते हैं बेस्ड ऑन कंपनीज फंडामेंटल कंपनीज जो जो भी ये वैल्यूज निकल के आती हैं EPS, PE, SAS ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इन सब पे।
अब इसी तरह मिड कैप में आ जाते हैं। मिड कैप में अगर मैं देखूं तो मिड कैप में इसको थोड़ा और जूम करते हैं, तो मिड कैप में भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। और मुझे जो भी ट्रू मिलती हैं वो कंपनीज कौन सी हैं, ये चार कंपनीज मेरे सामने आ गई, एल्केलामाइन, तानला प्लेटफॉर्म, एचएलई ग्लासकोट, सारेगामा इंडिया। सिमिलरली अगर स्मॉल कैप में देखेंगे तो स्मॉल कैप में भी मैं अगर सिर्फ ट्रू को करूं तो मुझे स्मॉल कैप में एक कंपनी मिलती है, बेस्ट एग्रोलाइफ। इसका ये मतलब नहीं है कि स्मॉल कैप की बाकी कंपनीज बेकार होंगी, उनमें पैसा नहीं बन सकता, उनमें पैसा बनेगा, बट मेरे फॉर्मूले में सेट नहीं होती हैं। प्रोबेबली बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, आईओएल केमिकल है बहुत अच्छी कंपनी है, वीएसटी इंडस्ट्रीज है, अमृतांजन है बहुत अच्छी कंपनी है, आयोन एक्सचेंज है बहुत अच्छी कंपनी, बजाज कंज्यूमर, ये भी मल्टीबैगर बन सकते हैं, बट मेरे फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते। थायरो केयर, आरती ड्रग्स ऑलरेडी एक मल्टीबैगर बन चुका है, और आरती ड्रग्स मेरे फॉर्मूले में फिट नहीं आई है, इसलिए मैं इसे अपने को शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं बाकी स्टॉक्स इसमें इन्वेस्ट मल्टीबैगर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूं, बट इन्वेस्ट तो करना ही है ना। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मल्टीबैगर स्टॉक के लिए ही इन्वेस्ट करा जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसमें निकाल लिया। अब दूसरा तरीका है कि ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला तो लगा दिया था कि ये सारा कुछ है, बट कुछ और कंडीशन भी चेंज हो सकती हैं, तो उन कंडीशंस के बेसिस पे क्या है कि ये हो या मैं कोई और कंडीशन डालता हूं कि अगर ये नहीं तो ये, दो ऑप्शन रखता हूं, उनके बेसिस पे देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं। तो वो एक एक और एक्सेल शीट है, हालांकि मैं दोनों एक्सेल शीट को मर्ज करके एक ही शीट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, तो आप उस सिर्फ एक शीट से ही आपका काम बन जाएगा। तो जो दूसरी एक्सेल शीट है वो ये है। अब उसमें भी सेम स्टॉक्स वही है, स्टॉक्स में कोई चेंजेस नहीं है। लार्ज कैप 1 लाख करोड़ से इसकी मार्केट कैप कम है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सेम वही लिस्ट है। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है कि मेरा जो लिस्ट वन में फॉर्मूला था, यानी अप्रोच ए थी, जो मेरा डेट है वो कम होना चाहिए कैश फ्लो से, यानी कि डेट कैश फ्लो मेरा डेट से ज्यादा होना चाहिए, जो एबिटा मार्जिन है वो मेरा 15% से ज्यादा होना चाहिए, जो मेरा प्रॉफिट ग्रोथ है वो 12% से ज्यादा होना चाहिए, जो ईपीएस है वो 40 से ज्यादा होना चाहिए, और जो मेरी सेल्स है वो 8% से ज्यादा होनी चाहिए, और जो मेरा जो प्रॉफिट आरओसी है वो 30% से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जो मेरा प्रॉफिट है, सेल्स ग्रोथ है जो मेरी, वो 8 नहीं वो 12 है। फॉर्मूले में कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ था, इसको मैंने चेंज कर दिया, बाकी सब जगह 12 ही है। तो अब ये हो गया, या तो मुझे ये मिल जाए जो कि ऑलरेडी मुझे उस वाली एक्सेल शीट में मिल गया, लेकिन अगर मुझे, मैं वहां से तसल्ली नहीं कर सकता, मुझे चाहिए थोड़े और स्टॉक मिल जाए, तो मैं अपने कंडीशंस को बढ़ाता हूं कि ये, या अगर मेरे पास जो कि सेकंड अप्रोच है ये हो, या मेरा जो डेट है वो 500 करोड़ से कम होना चाहिए, लेकिन मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और मेरा अब यहाँ पे क्राइटेरिया है कि जो एच यानी कि H4 यानी कि मेरा जो एबिटा है, एबिटा को मैंने बढ़ा दिया। पहले मैंने एबिटा 15% रखा था, अब एबिटा में मैं कहता हूँ 30% रहेगा, और उसके बाद जो मेरी प्रॉफिट ग्रोथ है वो मैंने पहले बोली थी प्रॉफिट 12%, लेकिन मुझे अब प्रॉफिट चाहिए 30%, और अब जो मैं बोल रहा हूँ कि जे यानी जे है मेरा ईपीएस, ईपीएस मेरा पहले भी 40 था, मैं अभी भी 40 रख रहा हूँ, लेकिन सेल्स ग्रोथ मेरी पहले 12% रख रहे थे, अब मैं 25% रखता हूँ, और मेरा आरओसी जो 30 था अभी भी आरओसी 30 है। तो यानी कि मेरा कंडीशन वन और कंडीशन टू में से, दोनों में से कोई भी कंडीशन मिलती वो मुझे यहाँ पे रिजल्ट देगी। अब इनमें रिजल्ट में जो भी एक ट्रू आता है मैं वो कंपनीज निकाल लेता हूँ। तो अब इसमें देखेंगे वो तीनों कंपनीज आएंगी जो कि उस रिजल्ट में मिलने थी, लेकिन उसके अलावा दो और नई कंपनी ऐड हो गई, एचडीएफसी एमसी और दीपक नाइट्राइट। तो अब जो दीपक नाइट्राइट है उसमें देखिए, मेरी पहली कंडीशन में तो फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि उसमें पहली कंडीशन में क्या था कि डेट कैश फ्लो से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डेट ज्यादा है, 400 करोड़ का है, 96 करोड़ का कैश फ्लो है, लेकिन दूसरी कंडीशन में फिट बैठ रहा है कि डेट मेरा 500 करोड़ से कम है, और एबिटा देखिए, एबिटा मेरा 40 से ज्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ मेरी 30 से ज्यादा है, ईपीएस भी मेरा 30 से ज्यादा है, सेल्स ग्रोथ भी मेरी ज्यादा है 18% से, आरओसी भी मेरा 30 के ऊपर है, तो बाकी दूसरी कंडीशन में बैठ रहा है ये,
जिसकी वजह से ये शॉर्टलिस्ट होके आया ट्रू। तो अब दूसरी कंडीशन को मिला के मेरे पास 5 स्टॉक निकल के आते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि ये एक मल्टीबैगर जो मैंने क्राइटेरिया सेट किया उसके बेसिस पे मल्टीबैगर हो सकते हैं। आप अपना कोई भी क्राइटेरिया डाल सकते हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। आप आपको लगता है नहीं नहीं मेरे को यार ये तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर मैं ले रहा हूँ, मुझे ठीक है बेटा अगर मेरा 5 भी चलेगा बेटा 5%, तो मुझे लगता है वो स्टॉक मल्टीबैगर हो सकता है, वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, आप ले सकते हैं। बट यूजली जो मैंने निकाला है वो स्टैंडर्ड के बेसिस पे निकाला है, कंपनीज के पिछली परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकाला है। और ये स्टॉक मार्केट में या कंपनी कोई भी है उसका डबल डिजिट ग्रोथ ही एक अच्छा ग्रोथ होता है, और अगर वो 20% 30% ग्रोथ कर रही है सेल्स और प्रॉफिट का, तो वो कंपनी एक मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखती है। तो ऐसे ही मिड कैप में भी सेम वही फॉर्मूला लगा है मिड कैप में, जिसमें कि सेम फॉर्मूला है उसके बेसिस पे मिड कैप से कौन से स्टॉक निकल के आते हैं देख लेते हैं। तो मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक हमें मिल गए यहाँ पे, तो पहले हमेशा 2 स्टॉक या 3 स्टॉक ही मिले थे, मिड कैप में इस बार हमको यहाँ पे 8 स्टॉक मिल गए हैं। एल्केलामाइन है, तानला है, एचएलई ग्लासकोट है, इंडिया मार्ट इंटरनेशनल मेरा फेवरेट स्टॉक है, सारेगामा, भारत रसायन, होम फर्स्ट फाइनेंस। स्मॉल कैप में आते हैं, स्मॉल कैप में उस वाले में हमको एक ही स्टॉक मिला था, इस वाले में देखते हैं कितने मिलते हैं। इस वाले में हमको 5 स्टॉक मिल गए हैं, वेलियंट ऑर्गेनिक्स, हिंदुस्तान फूड, आयन एक्सचेंज, आयोएल केमिकल। तो कंडीशन आप डाल सकते हैं, उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स को। तो ये एक तरीका है स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने का, अपने मल्टीबैगर स्टॉक को फाइंड करने का। ये जितना मैंने एक्सेल शीट दिखाई है, तो पहले तो ये एक्सेल शीट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करिए। आप सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट जो मैंने डाला है, डेट कितना, एबिटा कितना, ये सारी चीजें जाके आप स्क्रीनर पे डालें खुद से, और वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं, और फिर देखिए ये फॉर्मूला डाल के कि आपको उन लिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स में से शॉर्टलिस्ट करने हैं, तो कैसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं ये फॉर्मूला। इसमें आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ये एडिटेबल होगा, आप अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे कोई स्टॉक है जो मल्टीबैगर बन सकता है, उसका क्या तरीका है आइडेंटिफाई करने का। ये कोई सजेशन नहीं है, कोई इसमें गारंटी नहीं है कि यही स्टॉक है जो मल्टीबैगर बनेंगे। हो सकता है जो आज हजारों करोड़ के कर्जे में दबी कंपनी है वो 10 साल में मल्टीबैगर रिटर्न दे दे। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है टीटीएमएल, टाटा टेली सर्विसेज। आज भी वो कंपनी हजारों करोड़ के कर्जे में है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में उसने जो रिटर्न दिए हैं वो एकदम ही सोच के परे हैं। तो हो गया, अभी हमने इन्वेस्ट नहीं कराया तो हम उसके बारे में बात करके भाई अली बात है ना, ये भैंस की पूछ पकड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़िए। लेकिन अपनी मैथ्स करिए, अपनी एनालिसिस करिए और देखिए वो कौन से स्टॉक्स हैं। ये लिंक पे जाइए, इस एक्सेल को डाउनलोड करिए, अपना खेलिए इस एक्सेल के साथ। आपकी कोई क्वेरीज हो इससे रिलेटेड, आपको नहीं समझ में आया है कुछ अगर ये एक्सेल में क्या फॉर्मूले हैं कैसे, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और बताइए मुझे कि क्या आप भी इस तरह से कोई स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं या कोई एनालिसिस करते हैं। बाकी जो मैंने टर्म्स यूज करे हैं, टेक्निकल टर्म्स सब में यूज करे हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो ऑब्वियसली मेरे स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का एक पार्ट है, उसके मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि ईपीएस क्या होता है, आरओसी का मतलब क्या होता है, वो कैसे हेल्प करता है किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए। तो आई होप आपको ये मल्टीबैगर स्टॉक की सर्च का तरीका थोड़ा सा पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जितना आप शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचेगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक करने से ये और लोगों तक भी पहुंचता है। YouTube के एल्गोरिदम कुछ इस तरह से काम करती है, शायद जिसमें लाइक करते हैं तो ये और विजिबिलिटीज की बढ़ती है, तो आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।